जैन हॉस्पिटल में विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 8 जनवरी को। श्री विक्षण जैन हॉस्पिटल मोतीनगर बालाघाट में 8 जनवरी को दिन रविवार को प्रातः 11 बजे से लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल जबलपुर के सहयोग से श्री विक्षण जैन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट एवं मानवता संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी जैन हॉस्पिटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान त्रिलोक चंद कोचर श्री विक्षण जैन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन ने दी। इस प्रेस वार्ता में अभय कोचर ट्रस्टी और सिद्धकरण काकरिया उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। वहीं श्री कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में गेस्टोलॉजी, पेट रोग, उदय रोग, गुदा रोग, कैंसर, पित्त रोग, फतरी, अपेंडिक्स, हर्निया, किडनी, मधुमेह, शुगर की बीमारी, हृदय की जांच, थायराइड, अस्थमा, पीलिया, बच्चों के रोग, दमा, सांस लेने में तकलीफ, सांस की बीमारी, टीबी, फेफड़े के रोग, चर्म रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग, सफेद दाग, चेहरे पर पिंपल्स, खाज खुजली आदि बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच की जाएगी और उपलब्ध दवाइयां भी मुफ्त दी जाएंगी। आप सबको नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपको, आपके परिवार वालों को सुख शांति और समृद्धि है। बालाघाट में पिछले 33 साल से विक्षण जैन हॉस्पिटल आपके सेवा में, मानव सेवा में कार्यरत है। ये योजना हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। ये योजना 1984 में बनी थी और हॉस्पिटल 1989 में बनकर तैयार हुआ और उसके बाद से मानव सेवा के यहाँ कई काम हुए, जिसमें सबसे बड़ा विश्व का कैंसर कैंप यहाँ लगा, जिसमें 55 डॉक्टर आए थे और 3000 के लगभग पेशेंट आए थे। 311 मरीजों का यहाँ पर इलाज के लिए चुने गए। इस हॉस्पिटल के अंदर 48 कैंसर के ऑपरेशन हुए, सक्सेसफुल हुए। उस समय सुलेमान साहब कलेक्टर थे, वो हम किसी भी कैंप का उद्घाटन और समापन जैसी चीज़ नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर जो हमारे बाहर से आते हैं वो आके बैठे नहीं रहे, पेशेंट बैठे नहीं रहे, और हम ये मतलब उसमें वक्त नहीं चाहते हैं कि जाए और बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं। बालाघाट के डॉक्टर्स को बालाघाट में पेशेंट दिखाते हैं तो वो तो कभी भी जाके दिखा सकते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को इसलिए बुलाते हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो बाहर जाने में, यदि जबलपुर से आ रहा है तो पेशेंट यदि है तो वो जाएगा आएगा तो उसमें 2-3-4 हज़ार रुपये उसका खर्च हो जाता है, एकदम गरीब तो ट्रेन से जाता है। और बीमार इसलिए ट्रेन से जाना नहीं, और अभी तो बंद था, 3-4 साल से ट्रेन नहीं बनती या 10 साल से, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जैन हॉस्पिटल में बालाघाट में ज़्यादा से ज़्यादा कैंप करें। इसी तरीके में अभी 8 तारीख को हम एक ऐसा कैंप कर रहे हैं जो मल्टी स्पेशलिटी है और जिसकी विधि बालाघाट में नहीं है, मतलब वो कैंप को करना चाहते हैं जो बालाघाट के डॉक्टर को लोग दिखा नहीं सकते, उसको बाहर जाना पड़ता है। इसमें डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव आ रहे हैं, जो महाकौशल के सदस्य लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल आगा चौक बल्देबाग से हैं, और वो जटिल उदर रोग, मतलब हम कैंसर लिख नहीं गए इसमें, पेट के कैंसर के बहुत बड़े सर्जन कॉलेज जबलपुर में वो आ रहे हैं। अब उनका खुद का हॉस्पिटल है और आधुनिक सर्जन करते हैं। इसमें पेट का रोग, उदर का रोग, गुदा रोग, किडनी, लीवर, ये जितने पेट से संबंधित हैं ये सभी रोगों का जांच करेंगे। और इसमें ये सबकी मुफ्त इंडोस्कोपी करेंगे जिसकी जरूरत है, डॉक्टर के साथ जितने मरीज आएंगे सबकी बीपी शुगर की जांच होगी और डॉक्टर की सलाह पे मुफ्त ECG, मुफ्त इको, मुफ्त PFT। PFT एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें भूख मारते हैं और आपके सांस में, क्योंकि कोरोना के बाद सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो वो दमा, सांस की बीमारी, TB और फेफड़े से संबंधित जितने रोग हैं उसका डॉक्टर करेंगे कि भाई ये उधर रोग का, इसका एंडोस्कोपी के बाद कोई इलाज नहीं है, पेशेंट मिल गया तो उसका ऑपरेशन नहीं होगा। तो 50% में उसका, एक तो आयुष्मान कार्ड में फ्री होगा, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है,
जिसके पास सुविधा है, आप लोगों पत्रकारों को भी सुविधा है, तो वो जिसका है, जिसका नहीं है, वो उस का भी 50% में ऑपरेशन करेंगे। और 50% ऐसा नहीं कि 10,000 बता दिया, होता तो 5,000 में था और 5,000 कर दिया, ऐसा नहीं। आजकल हर हॉस्पिटल में रेट लिस्ट लिखना कंपल्सरी आपको मालूम, तो जो रेट लिस्ट होगा उसके हिसाब से हम भेजेंगे। किसी का भी आगे इलाज करने के लिए हमने यहाँ पर हेड जो बनाया है वो अभय सिकारी को बनाया है, इनके पास वो पेशेंट को आगे चल के काउंसलिंग करेंगे कि यहाँ भी हो सकता है कोई जांच की जरूरत पड़े, खून की जांच की पड़े, तो खून की जांच की हम सरकारी की लैब अभी सबसे बेस्ट है, बालाघाट में जो सबसे बेस्ट एक्सरे मशीन है और लैब है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। आपको बता दूँ 500 mm की मशीन केवल सरकारी अस्पताल में, बाकी हम लोग के पास, हमारे पास भी एक्सरे मशीन है, किसी के पास भी 150 mm से ऊपर मशीन नहीं है। तो उनके साथ हम सोनोग्राफी करना हो, ये सरकारी हॉस्पिटल की मदद से अवैसे के इंचार्ज होंगे, हम उनकी फाइल रखेंगे, उनका पूरा कराने का हमारा जिम्मेदारी रहेगा आगे का ट्रीटमेंट का, जो आयुष्मान कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, इनका जो गरीबी रेखा आयुष्मान से बाहर है उनका कंसेशन भी कराने का हमारा रहेगा। चर्म रोग का करूँ, चर्म रोग का हम नहीं कर पाते थे क्योंकि आज मेडिकल में एडमिशन एंट्री के लिए लेना है तो चर्म रोग का 5 करोड़ रुपये प्राइवेट कराची कॉलेज में, जबकि MS MD मेडिसिन ये 80 लाख 1 करोड़ हो जाता है। चर्म रोग का सबसे ज़्यादा महंगा पढ़ाई है। डॉक्टर आभा दीवान जो गुप्त रोग, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, पिंपल्स, चेहरे के, सर के बाल, मतलब हर चीज़ के वो फेमस डॉक्टर नहीं है, वो आ रही हैं और मुफ्त जांच करेंगे और हम जो उपलब्ध दवाई होगा अच्छी, इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, आपको मालूम होगा कि ये जो भी इसकी क्रीम या चर्म रोग की दवाइयाँ होती हैं वो बहुत महंगी आती है, वो भी जो हमको वहाँ पर उपलब्ध होगा वो हम सभी चीज़ों की दवाई मुफ्त देंगे।